पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक तरफ 10 साल की सजा, एक तरफ 14 साल की सजा। लेकिन इमरान खान की पहचान सिर्फ एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं थी, एक प्रधानमंत्री बनने से पहले वो पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर थे, पाकिस्तान की ओनली कैप्टन जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप जीता, द ओनली प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान जिसने पाकिस्तान में टैलेंट की खदान को खोज ली। ऐसे में हमें लगा कि जब इमरान खान को सजा सुनाई गई और इमरान खान अलग अलग मामलों में फंसे हुए, तो क्यों ना इमरान खान की स्पोर्ट्स वाली स्किल को समझा जाए, क्यों ना आपको उनके वो 5 रिकॉर्ड बताए जाएं जो आज भी 22 सालों से नहीं टूटे। मतलब इमरान खान को रिटायर हुए 22 साल हो गए। सामनेक्रम साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, या ये कहा जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 1992 का वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान इमरान खान इस वक्त 2 मुख्तलिफ केसेस में जेल की सजा काट रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये सजा जेल में ही सुनी, यानी उनका जेल ट्रायल हुआ वो उससे पहले से ही कैद में थे, लेकिन इस सजा के बाद यानी तोशाखाना रेफरेंस या फिर साइफर केस में उनकी सजा के बाद अब दुनिया भर से मुख्तलिफ किस्म के बयान सामने आ रहे हैं। क्रिकेट से रिलेटेड मीडिया हो या क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग हों, वो सियासत से एक कतई नजर इमरान खान को एज अ क्रिकेटर देखते हुए इस पर तबसरा कर रहे हैं, जबकि पॉलिटिक्स के साथ रिलेटेड जितना भी मीडिया है वो इसे एज अ पॉलिटिशियन के तौर पर लेकर देखता है। इसकी क्या सियासी रिपरकशंस होंगी उन पर बात की जा रही है, लेकिन आज के इस वीडियो में वो चंद बातें आपको दिखानी मकसूद है जो कि भारत के एक सहाफी ने इमरान खान के वो 5 रिकॉर्ड दिखाए हैं जो शायद हमें भी मालूम नहीं थे या आपको भी मालूम नहीं होंगे कि वो कौन से 5 रिकॉर्ड हैं जो इमरान खान की कैप्टेंसी में ऐसे थे कि वो अभी तक नहीं टूट पाए। यानी कि इमरान खान ऐसे लेजेंडरी कैप्टन थे जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप देने के साथ साथ अपनी लेगेसी में ऐसे प्लेयर्स भी दिए जो कि आज भी दुनिया क्रिकेट में एक बड़ा नाम रखते हैं, जिनमें वसीम अकरम, इंजमामुल हक, वकार यूनस वगैरह। तो ऐसे 5 रिकॉर्ड्स कौन से हैं जो अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया, वही सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाते हैं भारत सहाफी की जुबानी कि दुनिया इमरान खान को कैसे जानती है और हम कैसे अपने हीरोज की बेकदरी करते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक तरफ 10 साल की सजा, एक तरफ 14 साल की सजा, 78 करोड़ का जुर्माना भी इम्पोर्ट हुआ। लेकिन इमरान खान की पहचान सिर्फ एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं थी, एक प्रधानमंत्री बनने से पहले वो पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर थे, पाकिस्तान की ओनली कैप्टन जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप जीता, द ओनली प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान जिसने पाकिस्तान में टैलेंट की खदान को खोज ली। मतलब वसीम अकरम को उन्होंने ऐसे पिक किया, इंजमाम को ऐसे पिक किया, वकार को ऐसे पिक किया, और इन सारे खिलाड़ियों को न सिर्फ पिक किया बल्कि ग्रूम किया, और उसका असर ये था कि बाद में ये खिलाड़ी दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी। इमरान खान दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक थे। ऐसे में हमें लगा कि जब इमरान खान को सजा सुनाई गई और इमरान खान अलग अलग मामलों में फंसे हुए, तो क्यों ना इमरान खान की स्पोर्ट्स वाली स्किल को समझा जाए, क्यों ना आपको उनके वो 5 रिकॉर्ड बताए जाएं जो आज भी 22 सालों से नहीं टूटे। मतलब इमरान खान को रिटायर हुए 22 साल हो गए, 1992 में इमरान खान रिटायर हुए थे, तब से लेकर आज तक ये रिकॉर्ड नहीं टूटे 5 रिकॉर्ड, क्योंकि इमरान खान जबरदस्त प्लेयर थे। और सबसे पहला रिकॉर्ड जो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है कि आगे टूटे, वो है सबसे उम्रदराज कैप्टन का वर्ल्ड कप जीतना, रिटायरमेंट के बाद फिर लौटे, वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान का नाम। इमरान खान की उम्र 39 साल 121 दिन थी जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता था। आमतौर पर इस उम्र तक खिलाड़ी नहीं खेलते या आईपीएल सिर्फ खेलते हैं, लेकिन इमरान खान को 39 साल की उम्र में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी और वर्ल्ड कप जीता। और शायद ये बात आपको हैरान करे कि इमरान खान के अलावा वर्ल्ड क्रिकेट में कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसने 35 साल की उम्र के बाद वर्ल्ड कप जीता। मतलब अगर रोहित शर्मा इस बार जीत जाते तो वो 37 ईयर्स ऑफ एज में वर्ल्ड कप जीतने वाले सेकेंड उम्रदराज प्लेयर होते। इमरान खान का रिकॉर्ड वो भी नहीं तोड़ पाते, और नेक्स्ट वर्ल्ड कप रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे 99.99% ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। ऐसे में इमरान खान जो कि रिटायर हो चुके थे, बाद में उनके प्रधानमंत्री ने बुलाया, देश के लिए कहा गया और उन्होंने खेला और उस जमाने में वर्ल्ड कप जीता, तो वो अपने आप में कमाल की स्टार्ट एवरेज है। सेकेंड जो स्टार्ट इमरान खान का मुझे पसंद है वो है किसी भी हारे हुए मैच में सबसे बेस्ट स्पेलर, मतलब
जीत की परफॉर्मेंस तो बहुत याद रहती है, लेकिन हारे हुए मैच में आज तक दुनिया की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो इमरान खान है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1985 का वो रिकॉर्ड है जो आज तक टूटा, आई मीन दैट्स ह्यूज। 24 साल इधर ले लीजिए, 15 साल इधर, 39 सालों तक रिकॉर्ड। इमरान खान ने 1985 में पाकिस्तान का मैच इंडिया से था शाहजहां में, और वहां पर 14 रन देकर 6 विकेट निकाले। लूजिंग कॉज में 14 पंच, विनिंग कॉज में तो आते हैं लोग अच्छी गेंदबाजी करते हैं। दरअसल इंडिया को पहले बैटिंग करना था शाहजहां में, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग करने का मौका दिया। 125 रनों पर इंडिया को ऑल आउट पाकिस्तान ने किया। इमरान खान ने उस मैच में 10 ओवर में 14 रन देकर 6 विकेट निकाले। हालांकि बाद में पाकिस्तान जो है वो इंडिया के गेंदबाजों के सामने पछत गई और पाकिस्तान की टीम को इंडिया ने 87 पर ऑल आउट कर दिया और इंडिया ने वो मैच जीत लिया। इंडिया की बल्ले बल्ले थी, लेकिन उस मैच का जो रिकॉर्ड था इमरान खान का वो रिकॉर्ड आज तक टूटा नहीं है और ये रिकॉर्ड अभी बना हुआ है। एक और रिकॉर्ड जो इमरान खान का है वो है एक टेस्ट मैच में 10 विकेट और शतक मारना। इमरान खान क्रिकेट की दुनिया के बहुत बड़े ऑलराउंडर रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट में ओवरऑल हिस्ट्री, मतलब टेस्ट क्रिकेट आज से नहीं खेला जा रहा है, 1885 से खेला जा रहा है, 1877 से जितने भी टेस्ट मैच चल रहे हैं उसमें केवल 3 प्लेयर ऐसे हुए हैं जिन्होंने एक मैच में 10 विकेट निकाला है और पैरेलली उस मैच में शतक ठोका है, और उन 3 में से इमरान खान भी शामिल है। लेकिन इमरान खान के नाम जो स्पेशल रिकॉर्ड है वो इस बात को लेकर है कि इमरान खान ने कैप्टन रहते हुए ये कारनामा किया, मतलब कैप्टन रहते हुए शतक मारा और फिर उसी मैच में 10 विकेट, यानी दोनों पारियों में। आई मीन दैट्स ह्यूज, दैट्स अमेजिंग, ये नहीं होता है। और ये इमरान खान के नाम रिकॉर्ड था, गेंदबाज अच्छे थे ही, वो बल्लेबाज भी अच्छे थे, शतक लगा इमरान खान। एक और बड़ा अजीबोगरीब रिकॉर्ड उनके नाम, मतलब वो थोड़े प्रिडिक्टेबल कम थे। इमरान खान इकलौते ऐसे कप्तान हैं टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जिन्होंने 90s में बल्लेबाजी करते हुए टीम की पारी घोषित कर दी। मतलब ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जिन्होंने अपने टीम के लोगों को शतक नहीं होने दिए, जैसे मुझे तेंदुलकर का याद है, तेंदुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे 94 ओवर पे और द्रविड़ ने पारी घोषित कर दी थी और काफी नाराजगी हमें हुई थी कि यार क्यों ऐसा किया। लेकिन 1877 से क्रिकेट चल रहा है और आज तक की क्रिकेट हिस्ट्री में कभी किसी टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं रहा जिसमें पारी घोषित हो गई हो और कैप्टन खुद 90s में बल्लेबाजी, इमरान खान के साथ ही हुआ था।